तक इन्होंने कहा कि मैंने लोहा मार दिया या फिर मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हूँ सब आप सबके बदौलत हूँ, और आप सबके मतलब बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कोई ना मैंने लोहा मारा है, ना मैं कोई भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर हिंदी इंडस्ट्री के ऐसा कुछ भी कलाकार नहीं, जैसे भी हूँ जो भी हूँ आप सबके सामने, आप सबके बदौलत जो भी बोल रही हूँ बस यही है। अंशिका जी का ज़्यादा इंटरव्यू हुआ नहीं है जी। ये हाँ, तो आज पहली बार या कोई कितनी बार हो रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से 10-12 बार तो हो चुका है। 10-12 यहाँ इसके पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं, बट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। हाँ, वही है कि जहाँ लाख है तो वहाँ 10-12 गिनती कोई नहीं करता है। तो फिलहाल सर आए हैं काफ़ी दूर से हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, जो कि हम बहुत मतलब बोले तो सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इतनी दूर से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। आप सबने वैसा हमको बनाया कि आज मतलब इस काबिल हुए कि हमारा भी कोई इंटरव्यू ले, तो आप सबको तहे दिल से। अंशिका जी, जैसे कि पहले आप इस लाइन में नहीं थी, शुरुआत आपने डांसिंग से किया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल, और डांसिंग आई लव, मतलब बोले तो डांसिंग से मैं बहुत ही मोहब्बत करती हूँ, और डांस ही मेरा जुनून है, सब कुछ एक्टिंग तो आप सबने मुझे सिखाया। अच्छा, शुरुआती दौर में मैंने देखा था कई चैनलों में आप जाके गानों में डांसिंग कर रहे थे। आप पहले देखिए, पहले मैं एल्बम में काम करती थी, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट आते थे कि हाँ अंशिका जी या फिर हाँ मैम आप यहाँ आइए, ये एल्बम है इस तरीके से शूट करवाना है, तो मैं पहले डांस ही करती थी ना कि एक्टिंग करती थी। मतलब इतना नहीं, मतलब जिस हिसाब से आज के डेट में मतलब जहाँ देखो तहाँ अंशिका कॉमेडी आज के डेट में, उसके पहले बस छोटू सा एक मॉडल के रूप में जाने जाते थे, आज एक कॉमेडियन के नाम से जाने जा रहे हैं, तो क्या कहें, बहुत खुशी की बात है। अरे, डांस करते करते कब ऐसा हो गया कि आप एक्टिंग की तरफ मुड़ गई? देखिए, डांस तो मेरा बचपन से जुनून था जो कि मैं करती थी। अचानक मेरे एक भाई साहब थे जिन्होंने मुझे बोला कि मतलब अपने ही भाषा में, जैसे कि मैं ठेठ में बोलती हूँ तो आपसे वैसे ही मैं बात करूँगी, तो बोला कि ये बहनी एक उमेश निषाद हैं जेकर बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल भवत है, वो तो के गाना में मतलब बोले थे कि गाना करे तो चलू, हम कि भैया मुझे बदे पैदा भाई हम तो करबे तो चला। तो वहाँ पे गए तो नदिया के पास शूट हो रहा था, तो उन्होंने हमको छोटा सा क्लिप दिया, ऐसे उसमें कुछ डायलॉग था हमारा एकदम मतलब इतना छोटू से था, मतलब एकदम छोटा सा, उसी को मुझे बोलना था। मैंने बोला, उन्होंने मुझे फाइनल कर दिया कि नहीं ये लड़की एकदम परफेक्ट है, इसको कराना है। तो डांस भी किया प्लस एक्टिंग भी किया, धीरे धीरे आप सबने सपोर्ट किया। अच्छा, आपने चैनल बनाने में इतना लेट क्यों कर दिया? क्योंकि आपने इतना टैलेंट कि आज अगर उमेश जी का चैनल वहाँ खड़ा है उस ऊंचाइयों पर है तो आप ही देन है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, उसके पहले तो फिर वो चैनल तो इतना ऊपर नहीं था। देखिए, हम इसको क्यों माने कि हमारी देन है, हम जहाँ तक जानते हैं सबने मेहनत किया, सबकी देन है। और रही बात, हमने इतना लेट चैनल इसलिए खोला, मेरे पास टाइम ही नहीं था, रोज़ शूट, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। शायद आज संडे है, मैं ये तक भूल गई थी कि मैं संडे को बोली थी कि मुझे घर पर रहना है, मैं घर पर भी नहीं गई। मतलब शूट करते करते मैं भूल जाती हूँ मुझे खाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे काम करना है, काम, दिन भर काम। तो मैं कैसे आपसे क्या बयां करूँ कि मुझे मतलब इंडस्ट्री से या फिर एक्टिंग से इतना लगाव है कि मैं खुद भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कोई मुझे मतलब मेरा घर का नाम कुछ और है, अंशिका कह के ना बुला तो सुनाई ही नहीं देता कि कोई मुझे बुला रहा है, तो क्या कहें हम आपसे। अच्छा अंशिका जी, पहली बार तो आप उमेश जी के साथ बहुत बहुत वीडियो में आ रही हैं, और आप अपने चैनल पर अभी आपने बना दिया, तो क्या नाम है आपके चैनल का? जी, हमारे नाम तस्वीर अंशिका आरती ऑफिशियल है, जो कि हमारे साथ कुछ सपोर्टर जो मनोज जी हैं ढक्कन दादा करके काफ़ी अच्छी वो मतलब एक्टिंग करते हैं, तो मैं क्वीन अंशिका आरती ऑफिशियल पर काम भी करती हूँ, प्लस उनके भी साथ काम करती हूँ, बहुत जगह मतलब बहुत जगह काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के चैनल पर काम करती हूँ। लेकिन आपने इतना लेट कैसे कर दिया? आप इतनी जानकार होते हुए भी कि आपको ये पता है कि यूट्यूब में अगर मैं जब भी पाँव डालूंगी तो मैं सक्सेस होना एकदम 110% है, तो फिर इतना लेट कैसे हो गया कि अंशिका इतना पीछे क्यों हो गई? आज दुनिया में सारे लोग इतने आगे हैं, जो भी एक्टर्स हैं सब आगे हैं, लेकिन अंशिका इतना पीछे क्यों हो गई? देखिए, कहीं जाके काम कर लेना वो बहुत बड़ी बात नहीं होती, खुद का चैनल जब संभालना होता तो सिर्फ एक पहाड़ रहता है। अरे यार, आज वीडियो अपलोड नहीं किया, शूट नहीं किया, उनके यहाँ जाना था उनके यहाँ नहीं गए, तो मतलब ये मेरे पास एक प्रेशर था कि मैं कैसे करूँगी, कोई सपोर्टर नहीं था कि कोई मेरे चैनल को थाम ले, ऐसा कोई मिला नहीं। फिर लास्ट में जाते जाते मैं बोली कि लाओ मैं ये ब्लॉग शुरू कर, जब मैंने ब्लॉग शुरू किया तो वो मेरा मतलब समझ लीजिए ये खत्ता भी नहीं गया मोनेटाइज,
तब मुझे लगा कि अरे यार पब्लिक मुझे इतना प्यार करती है, मुझे पता है। मतलब जैसे किसी और के चैनल पे आप काम करो, काम करके घर चले आओ, इनकम लोग कहानी खत्म, मतलब ये फील नहीं होता। इतना जानते थे कि हाँ पब्लिक पसंद करी, लेकिन ये माइंड में रहता था जरूरी थोड़ा ना हमको पसंद करी हो, तो हमको भी पसंद करती होगी। जब मेरा चैनल मोनोटाइज हुआ तब मुझे ये फील हुआ कि नहीं यार पब्लिक मेरे चैनल को ढूंढ रही है, मुझे पता नहीं। तब मैं धीरे 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 काम करने लगी, जैसे कि कुछ दिन उनके यहाँ करते हैं, कुछ दिन आपके चैनल। तो अभी लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि आप लोग इतने दिन से उस चैनल को ढूंढ रहे थे, क्वीन अंशिता आजी ऑफिशियल चैनल, अब आप सबको एकदम मतलब सर्च मारिए तुरंत आएगा। आपको लगता है कि आप अपने जो चैनल पे अभी काम कर रहे हैं, जो भी आपके एक्टर हैं और उमेश जी के जो चैनल पे काम होता है, उस तरह की कंपटीशन ये दे पाएंगे? ये तो हम नहीं कह सकते, हो सकता उनसे भी बेटर कर दो। लेकिन हमने लास्ट वीडियो आपका जो देखा था भूत वाला, बहुत बहुत अच्छा, हमें नहीं हम नहीं बोल सकते जी, बहुत अच्छा हुआ। अभी वो स्टार्टिंग, क्योंकि आप बहुत मैच्योर एक्टर हैं, आप अपनी तरफ से तो 110% देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर अगर कंपेयर किया जाए, उस वीडियो को कंपेयर किया जाए, तो वो अगर उसको रेटिंग दिया जाए, मेरे हिसाब से रेटिंग दिया जाए, तो उसको 2.5 जो है उसको रेटिंग मिली। हम आपकी बात को समझ रहे हैं और हम वो अपलोड मतलब जब किए उसके बाद देखे हम कि यार इसमें, मैंने सबको कॉल करके बोला कि देखो यार एक्टिंग पे विशेष ध्यान दो, क्योंकि टक्कर का जनरेशन है, टक्कर देना है तो भाई 20 होना पड़ेगा, नहीं तो इसे नीचे बैठने में टाइम नहीं लगेगा। नाम का क्या है, नाम कब ऊपर चढ़ जाएगा कब नीचे चढ़ जाएगा, तो क्योंकि आपके पास अब प्रेशर है, क्योंकि जब आपका चैनल है और उमेश जी का चैनल है, अब आपको कंपटीशन है उस चैनल से। नहीं, हमें किसी से कंपटीशन नहीं, हमें सिर्फ अपने आप से कंपटीशन। लेकिन जब पब्लिक तो ये हमेशा सोचेगी कि अंशिका जो है अगर उस पे काम कर रही है, ज्यादा वीडियो वो चल रहा है और आपका वीडियो ज्यादा नहीं चल रहा, तो पब्लिक के हमेशा दिमाग में होगा अंशिका आपका कंपटीशन तो है। क्यों नहीं उनके मतलब जो जिनके साथ काम करती है उनके साथ क्यों नहीं अपने चैनल पे ला रही है, मतलब उनके ही साथ काम करें। फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता भाई, उनका चैनल है वो अपने चैनल पे काम करेंगे, हमारा चैनल है हम अपने चैनल पे काम करेंगे, हम उनके चैनल पे जा सकते हैं बट वो हमारे चैनल पे शायद ना। हाँ ये तो ये 110% है कि उमेश जी आपके चैनल पे नहीं आएंगे। आप सब जो भी करवा लीजिए, बोलेंगे नहीं, आप लोग चाहेंगे तो भेज देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं। खत्म भाई। अच्छा टक्कर देने वाली जो बात है तो टक्कर हम किसी को नहीं देंगे भाई, कहना नहीं चाहिए करके दिखाओ। जहाँ तक अगर देखा जाए आपकी जो एक्टिंग है, अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके जो फॉलोअर हैं वो जो है रोली और जो भी आप दूसरे, यहाँ आप यहाँ तो कई जन काम कर रही हैं, रीना कर रही हैं और सीमा जी कर रही हैं, ये सारे जो कर रही हैं, आपकी एक्टिंग आपको पसंद करने वाले लोग बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ये शायद आप नहीं जानती हैं, क्योंकि आप लोग आप जो है अभी बहुत जल्दी में आई हैं। मैं हम लोग गाँव में रहते हैं, हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं अगर उमेश जी की हम जिक्र करते हैं तो सीधा उसमें अंशिका का नाम आता है कि वो चैनल आज खड़ा हुआ है, तो सिर्फ अंशिका की वजह से। दूसरा फिर अगर उनका जो सब्सक्राइबर बढ़ा है वो साढ़ू भाई दिलीप की वजह से बढ़ा है। देखिए ये तो सच बात है कि उमेश जी ने भी बहुत मेहनत किया है, क्योंकि क्या होता है कोई भी चैनल तभी खड़ा होगा जब अच्छी कहानी होगी, अच्छे उसके साथ में एक्टर होंगे, अच्छे एक्टर से काम कराना भी बहुत बड़ी बात है। वो उमेश जी को अच्छी तरह मालूम है कि कौन से एक्टर को कहाँ किस तरह एक्टिंग करा लेनी है, क्योंकि 16 साल के लड़का मुकेश है और वो 16 साल के 70 साल का जो है उससे एक्टिंग करा लेते हैं, वो कमाल सिर्फ उमेश जी का है, उसमें नो डाउट है। अगर वो एक्टिंग करते हैं, साथ में स्क्रिप्ट पे भी ध्यान देते हैं, साथ में वो एडिटिंग करते हैं और साथ में जो है उनको कहानी का राइटिंग भी समझ लीजिए उनको पता होता है, और यहाँ तक कि डायरेक्शन भी उन्हीं का होता है, तो इतनी लोड उमेश जी के ऊपर है, उसके बावजूद भी इतना सक्सेस होना वो उनके ही देन है। हम जहाँ तक जानते हैं और आपके कहने के अनुसार कि हमारी वजह से, फिर दिल्ली की वजह से, फिर टक्कर की वजह से चैनल खड़ा नहीं हुआ, खड़ा हुआ तो वो सिर्फ टीम की वजह से, एक टीम तो मजबूती है ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसे बोला जाता है कि बच्चे के सिर पर अगर पिता का हाथ ना तो डगमगा जाए, तो सेम वैसे ही उमेश जी का जैसे बोले तो हाथ ना सके, तो हम उनको फुल क्रेडिट देंगे अपने चैनल में। अब कब ऐसा होगा जब अंशिका फुल टाइम अपने चैनल पे देगी? शादी हो ही नहीं कह रही, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन सारे चैनल से ऑफर भी आते हैं कि आप आइए काम कीजिए, और खास करके उमेश जी मतलब उनको वैसे मैं भैया बोलती हूँ, शूट में चाहे टीम में चाहे जो भी हो उनके साथ काम करना है, फुल टाइम अपने पे नहीं दे सकती, थोड़ा वो जो भी टाइम निकाल के अपने चैनल पे दे दें तो आप कुछ लोग तो ये भी ज़्यादातर बोलते हैं कि जो है अंशिका जो है उमेश जी की गर्लफ्रेंड है, ये वो भी चलता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना क्लोज जब सूट होता है तो लोग, क्योंकि उनकी उनके लोग की वीडियो में ज़्यादातर आपने देखा है, चाहे वो निक्कन भाई हों, चाहे उमेश जी हों या केएन फिल्म वाले हों, ये लोग रियलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना की कोशिश करते हैं, और जिसमें इससे जो है आप लोगों की जो नज़दीकियाँ हो जाती हैं, तो वो लोगों को देखिए गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग हैं कि क्या अभी लेडीज लोग आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा देखती हैं जी, और लेडीज लोग जब देखती है उनको थोड़ी पता है कि उमेश जी की शादी हुई है कि नहीं हुई है। देखिए हमारे सर की शादी भी हुई है, एक छोटा सा बच्चा भी है, और भाभी जो है मतलब उमेश जी की वाइफ बहुत ही अच्छी निहायत ही दिल की साफ है, जो कि इतना सपोर्ट करती है, नहीं ऐसी बात तुम उमेश मतलब अपने हस्बैंड जो भी हो करके बुलाए उनके साथ काम करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारे उनके बीच में कुछ चले भाई, हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। अंशिका को अगर किसी भोजपुरी फिल्म में काम करने को मौका मिला तो करेंगी या ना करेंगी? नहीं कि वो भी कुछ कुछ मिठाई सामने रखे बोलोगे खाओगे, ये तो गलत बात है ना, मैं तो तुरंत उठा लूँगी अपनी, मुझे करना है क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कि मैं मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में जाऊँ, मेन टारगेट यही है। मेन टारगेट आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए फिर आपको भोजपुरी के जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसको मिलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं अगर देखा जाए तो अपने भारत में, जब तक वो लोग उनसे मिलते नहीं हैं और कई आप जब तक आप उन्हें ऑडिशन नहीं देंगे तब तक आपको काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसा तो वो देने लगे तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं आते हैं यूट्यूब पे, बहुत बड़े बड़े भी प्लेटफॉर्म वाले भी हैं जी, बिल्कुल कहाँ कुछ नहीं जा सकता, किस तरह से समझ समझ रहे हैं, हो सकता है ऐसे भी ऑफर आ जाए, हो सकता है मुझे थोड़ा सा और घिसना पड़े कि नहीं, लेकिन टारगेट आपका है कि आप फिल्मों में ही काम करेंगे, मेरा टारगेट वही है। जिस दिन आपको भोजपुरी का ऑफर आया उस दिन सारे चैनल मतलब आराम से गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं मूवी शूट करूंगी, मूवी शूट करके आऊंगी फिर मैं, इतना टाइम नहीं मिलता है मैडम, अगर आप भोजपुरी में इतनी टाइम नहीं होती, भोजपुरी की शूट जब चलती है ना, देखिए क्योंकि सुनिए मेरी बात, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग जब होती है उनके पास बजट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनका शूट कंटिन्यू चलता है, अगर वो नहीं ज्यादा से ज्यादा एक फिल्म 25 दिन में कंप्लीट करनी होती है, 25 दिन। जहाँ आप मतलब मेरे घर पे गए थे वहीं पे भी मतलब मूवी शूट हुई थी, मैं आपको बता रही हूँ कम से कम 3 महीने लगा था, ये कहीं पे एक मेरी कितने दिन की बात कर, अरे तकरीबन हो गया होगा 20 साल ना, आज की जिंदगी आज बोलिए, आज क्या हो रहा है, आज भोजपुरी फिल्मों को सिर्फ 20 दिन 25 दिन मिल रही है, 25 दिन 20 दिन में आपको खत्म करना है फिल्म, हाँ अब समझ लीजिए 25 दिन में 20 दिन में, और उनके किस तरह के टेक होते हैं, वो कितने आप लोग जैसे एक स्टोरी चालू करते हैं तो आप सिनेमैटिक नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ एक एक वीडियो को मैं जानता हूँ उमेश जी के और मूर्तन जी के, ऐसा नहीं है उसमें ये लोग क्या नाम है सिनेमैटिक बहुत कम लेते हैं, उनका कहना भी है उमेश जी का कि सिनेमैटिक अगर हम लेने चले जाएंगे तो क्या होता है कि वीडियो रियलिटी जो है निकलती चली जाती है, ऐसा उमेश जी का कहना है, लेकिन हमारे सामने अभी तक ऐसा कोई भी बात नहीं है कि हमारे सर ने इस तरीके से कहा, अगर कहा तो हम उनसे जरूर एक बार बात करेंगे सर, ऐसा क्यों बोले? उनका चैनल पे मैंने अपना वीडियो डाला हूँ, मेरे वीडियो पे है अब देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि हम लोग सिनेमैटिक इसलिए बहुत कम करते हैं ताकि हमारी जो रियलिटी है ना वो निकल ना जाए, इससे कहते थे वो बोला थे इससे ज़्यादा ओरिजिनलिटी हमें दिखती है वीडियो में, कि जब हम एक साथ में 10-10, 5-5 मिनट का लेके चलते हैं जो है एक साथ में 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का स्टोरी हम लोग लेके चलते हैं उसमें ज़्यादा ओरिजिनलिटी दिखती है। देखिए हम जहाँ तक जानते हैं कुछ लोग हैं बोलते हैं तो अपने भाषा में गाज के रखते हैं, और जो स्क्रिप्टेड होता है तो उसको तो भाई जैसे होता नहीं यहाँ कट लगा रहे यहाँ ऐसे होते, तो वो सेम मूवी की तरह शूट होता है, सिर्फ फर्क इतना कि यूट्यूब पे जाता है वो बड़े पर्दे पे, उसमें आपको पता है जब उसमें शूट होता है तो मास्टर